दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। मेरठ मेडिकल कॉलेज के सामने संचालित मैरिज ब्यूरो पर छापा मारकर पुलिस ने वहां से 7 लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि मैरिज ब्यूरो के आड़ में वहां ठगी व देह व्यापार का धंधा संचालित किया जा रहा था। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल मेरठ मेडिकल थाने से कुछ ही दूरी पर गोपाल महिला कल्याण उत्थान परिषद की तरफ से विवाह केंद्र संचालित किया जा रहा है। इसका संचालक नीरज गर्ग है। ठगी व देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने वहां छापा मारा था। इस ठगी का शिकार हुए अमित शर्मा ने यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शर्मा है। अमित जी, क्या हुआ, कैसे ये इन्होंने अखबार में वो दे रखा था अपना, हमने इन्हें फोन किया तो इन्होंने हमें बुलाया। हमसे पहले 8,500 रुपए लिए शादी करवाने के लिए। हाँ जी, फिर रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर इन्होंने हमें लड़की दिखाई। लड़की हमें पसंद आ गई थी तो लड़की को मैं भी पसंद आ गया था। उसके बाद उस लड़की ने मुझे फ़ोन करा, मुझसे कहती है कि आप मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दो, मुझे फ़ोन दिला दो। फिर मैंने मना कर दिया, मैं फ़ोन अभी नहीं दिलवा पाऊँगा शादी से पहले। तो इसकी भाभी का फ़ोन आता है मेरे पास कि आप हमारी मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप हमें कुछ पैसे दे दोगी। तो हमने पैसे देने के मना कर दिया, तो उन्होंने रिश्ते के मना कर दिया। फिर हमने इन्हें दोबारा कॉल करी तो इन्होंने उसी का नंबर हमें दोबारा दे दिया। नंबर चेंज था और लड़की वही थी, लेडीज उसकी भाभी वही बात करती थी। और उसके बाद फिर तीसरी लड़की का नंबर दिया, तीसरी का भी वही नंबर दे दिया, नंबर चेंज, उसकी भाभी बात करती थी हमसे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए 22 तारीख को, हमने इनसे बोला तो इन्होंने हमें गाली बक के भगा दिया और पैसे देने के लिए मना कर दिया। फिर मैंने साइबर क्राइम में जाके अपनी एप्लीकेशन दी तो उन्होंने एक्शन लिया। जानकारी ऐसे हुई कि हमें एक ही कॉल पर खाली उसकी भाभी बात करती थी जब हम फोन करते थे, जितने भी नंबर दिए उसकी भाभी बात करती थी। माँ बाप कभी बात ही नहीं करते थे, उसका भाई बात करता था। जब भी बात करती थी उसकी भाभी बात करती थी, वही लड़कियां बदल बदल के बात करती थी हमसे। लड़की यही नहीं बताया था हमें, हमें खाली बात यहाँ पे मीटिंग करवाई थी और ये बोल दिया था कि आप ये तुम्हारे घर पे देखने आ जाएंगे, घर बार तुम्हारा। और ये उसके बाद आई नहीं, इन्होंने रिश्ता हमारे से ख़त्म कर दिया। जब हमें पता लगा कि अब 6 महीने होने वाले, हमारे पैसे ख़त्म होने वाले, तो हम यहाँ पैसों के लिए आए, तो इन्होंने हमसे बोला, हमें भगा दिया और कहने लगे पुलिस वालों से हमारी सेटिंग है। हमने फोन करा तो इन्होंने हमारे से, हाँ, इसमें लड़कियां मिली हैं, 8-10 लड़कियां मिली हैं। दूसरे शिकार बने मयंक का यह कहना है। क्या नाम है आपका? जी मेरा मनोज नाम है जी। मैं जी अखबार में सुन तो आया था कि यहाँ पे मेरठ में शादी ब्याह होती, मतलब कराए जाते हैं, सारे आड़िया पे फीस है इसमें। और मेरे को मिलवाया था और कहते हैं, मतलब ये बोला था आपका रिश्ता ना से हो जाएगा। मैंने भर दिए पैसे, भरने बाद 9,000 रुपये वहाँ पर दे के आऊँ। उसका मैंने फ़ोन पे बात हुई, फिर मुझसे पैसे मांगे गए 5,000-10,000, मैंने वो भी दिए 5,000। फिर 5,000 देने बाद मुझसे कही कि हमारे घर में रिवाज होता है कि लड़की के 5 जोड़ी कपड़े भेजो। हमने जी हमारे तो ऐसा होता नहीं है, ना हमने देखा आज तक, तो हमने ना घर देखा ना द्वार देखा, हम कैसे देते भी वैसे वो कपड़े पर कैसे देते। पर जब बात हुई थी, बात वो ख़त्म होने बाद फिर हमने इस पार्टी को फ़ोन करा, हमने ऐसे ऐसे बातें जी उन्होंने की, हम बात करते हैं जी पार्टी से, पार्टी क्या कहती है, पार्टी ने बात करी तो पार्टी ने कही थी कि आप ऐसा है इसको छोड़ो, हम तुम्हें दूसरा रिश्ता बता देते हैं। दूसरा भी बताया जी उन्होंने, ऐसे घुमाया हमें। अब मुझे 9 महीने हो गए आज, हाँ जी घुमाते घुमाते 9 महीने हो गए। 9 महीने बाद 5,500 रुपये तो यहाँ पर आ चुका हूँ मेरठ में मैं, हाँ जी। और कल से मैं यहाँ पर रुका पड़ा हूँ। हाँ जी ठगी ऐसे हो रही है, मैं बताऊँ जी, नीचे तो ऑफिस बनाया हुआ है, ठीक है, ऊपर दुकान है। वहाँ होता क्या है जी, पेटीएम से पैसे मंगाते हैं, लड़कियों से मंगाते हैं पैसे, और वो 4-5 जगह हिस्से में बटती हैं पैसे। और ऊपर दुकान है, वो लड़की के घर तो दूर बताते हैं, तो लड़की के घर इधर कैसे आ जाती था एकदम, और पेटीएम नंबर भी वहीं का दे दिया हमारी, वहीं ऊपर दुकान और नीचे वो ऑफिस, तो ऐसे पैसे मंगाए गए थे हमसे। हाँ जी शिकायत करिए जी, हमने और कहीं गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।